नमस्कार दोस्तों, ओम सूर्य नमः। दोस्तों, आपको हम बताना चाहते हैं कि आपकी राशि वाले को कब और कैसे सूर्यदेव राजपद देते हैं। आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में बहुत ही बड़े बदलाव होने वाले हैं। दोस्तों, व्यक्ति को जीवन में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जो सूर्य से राजयोग बनते हैं जीवन में और किस प्रकार आपको वो प्रभावित करते हैं और किस तरह बनते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपकी कुंडली में राजयोग है, इसकी शक्ति क्या है, इसकी ताकत क्या है और सूर्य की कृपा से आपका उदय होगा भाग्य। अगर दोस्तों सूर्य की कृपा से आज बना हुआ है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन क्षेत्रों को लेकर के आपको सावधान रहना चाहिए और कौन से उपाय आपको करना चाहिए जिससे सूर्यदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। सूर्य का राजयोग जो हमारे जीवन में पूरी तरह से असर डालता है। दोस्तों, सूर्य का जीवन में व्यक्ति को बहुत ही आत्म कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा हमारा मन होता है, मन का स्वामी है, अधिपति है, शनि प्राण है व्यक्ति का, ठीक उसी प्रकार सूर्य कुंडली में, अगर कुंडली की बात करें, अगर कुंडली में गड़बड़ हो जाए और व्यक्ति का सारा जीवन में उथल पुथल हो जाए तो उसका जीवन खराब हो जाता है। आपकी स्थिति कैसी होगी और आपकी स्थिति क्या क्या रहेगी। और दोस्तों, पिता राज राजयोग की सेवा, मान सम्मान, वैभव, इन सब की बात करें तो ये सब कुछ सूर्य से ही प्राप्त होता है जीवन में। कितना आपको मान सम्मान मिलेगा, कितना वैभव मिलेगा और यहाँ तक कि पाचन तंत्र का मामला भी सूर्य से जुड़ा हुआ है। आपकी आंखें, हड्डी और जितनी भी चीज़ों की बात करें तो सेहत को कंट्रोल भी सूर्यदेव करते हैं। दोस्तों, सूर्य अगर कुंडली में मजबूत होगा तो जीवन में वैभव और समृद्धि की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी और आसानी से भी होगी। सूर्य अगर कमज़ोर हो तो जीवन में दरिद्रता भी मिलती है, सेहत भी खराब रहती है और पैसे की अगर बात करें तो पैसे का इशू भी जीवन बना रहता है। जीवन में तीन तरह के राजयोग बनते हैं जो सूर्य से बनते हैं और ये तीन ही प्रकार के व्यक्ति को एक अपार प्रतिष्ठा देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जीवन को विशेष बना देते हैं। अगर कोई भी राजयोग कुंडली में होगा तो आप समझ लीजिए कि वह बहुत खास है। तो सूर्य से तीन तरह के राजयोग बनते हैं। पहला राजयोग है वेशी नामक राजयोग। कैसे बनता है और क्या करना चाहिए आपको इसमें, तो ध्यान से सुनिएगा। सूर्य आपकी कुंडली में जिस भी खाने में बैठे हुए हैं, कुंडली में उसके ठीक अगले खाने में, मान लीजिए कि आपकी कुंडली में सूर्य 6 नंबर खाने में बैठे हुए हैं तो 7 नंबर के खाने में या फिर 3 नंबर के खाने में सूर्यदेव हैं तो 4 नंबर वाले खाने में, यानी कि जिस खाने में सूर्यदेव बैठे हुए हैं उसके ठीक अगले खाने में, अगले घर में अगर कोई ग्रह स्थित हो तो वेशी नामक राजयोग बनता है। लेकिन यह ग्रह चंद्रमा, राहु, केतु नहीं होना चाहिए। यह ग्रह जो है वो सूर्य के अगले खाने में होंगे तो ये योग नहीं बनेगा। याद रखिएगा कि और बाकी कोई भी ग्रह हो, जैसे कि बुध, शुक्र, गुरु, मंगल, शनि, तो ये राजयोग बन जाएगा। सूर्य अगर कमज़ोर है आपकी राशि में तो भी राजयोग नहीं बनेगा, क्योंकि जब यह अगर कमज़ोर है और ये योग बन रहा हो तो सूर्य पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि बिल्कुल भी ना हो, सूर्य कमज़ोर ना हो, खराब ना हो, तब बेसी नामक राजयोग बन जाता है। अगर ये कुंडली में है, इसके प्रभाव क्या होते हैं और इसकी सावधानियाँ क्या क्या होती हैं। दोस्तों, कोई अच्छा ग्रह अगर मजबूत है तो व्यक्ति अच्छा बोलता है, अच्छा बोलने वाला होता है, साथ ही साथ धनवान भी होता है। ऐसे लोगों का शुरुआती समय काफ़ी कठिनाई में व्यतीत होता है, लेकिन जैसे जैसे कि उम्र बढ़ती है, यानी कि उम्र के करीब 20, 21, 22 साल के बाद बहुत धन, संपत्ति, नाम, यश, पैसा, रुतवा सब कुछ प्राप्त होता चला जाता है और ऐसे लोग सम्मानित होते हैं, सम्मान पाते हैं। अगर ऐसा ये राजयोग आपके जीवन में बन रहा है तो फिर आपको हमेशा अपने खान पान पर ध्यान रखना चाहिए। यानी कि अगर बात करें कि वैशी नामक योग आपकी कुंडली में है तो नॉनवेज और अल्कोहल यानी कि मांस मदिरा का सेवन आपको भूल से भी नहीं करना है। कम से कम आप रविवार के दिन तो बिल्कुल ही नहीं कीजिएगा।
अगर आप खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे तो इस योग का आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, हमने पहले भी कहा है कि राजरोग तो बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में बनता है, लेकिन लोग राजयोग के फायदे कैसे लेने हैं ये नहीं जानते, इसीलिए अछूते रह जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो एक नियम बना लीजिए, रोज़ाना आपका जो पहला आहार होगा वो गुड़ होना चाहिए, यानी कि सुबह में आप गुड़ का सेवन नियमित रूप से करें। थोड़ा सा अगर आप गुड़ का सेवन करके काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, काफ़ी अच्छा भी रहेगा। तो ये थी दोस्तों वेशी नामक राजरोग के बेनिफिट्स, सावधानियाँ और उसके लाभ। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे राजयोग के बारे में, और वो है वासी योग। अब ये राजयोग कैसे बनता है? आपकी कुंडली में सूर्य जिस भी खाने में बैठे हुए हैं उसके ठीक पहले खाने में अगर कोई ग्रह बैठा हो तो वासी योग बनता है। अब मान लीजिए कि सूर्य आपके नवें खाने में बैठे हैं, तो आठवें नंबर के खाने में अगर चंद्रमा राहु केतु हैं तब ये योग नहीं बनेगा। लेकिन अगर सूर्य के पहले खाने में कोई शुभ ग्रह है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, कोई भी ग्रह है, तो यह योग बन जाता है। और इसकी भी शर्त यही है कि सूर्य कमज़ोर नहीं होना चाहिए, सूर्य पर पाप की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर यह योग फलित होगा, शुभ फल देगा और शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। दोस्तों, अगर आप वाशी नामक राजयोग के सफल मज़े लेना चाहते हैं तो आप एक उपाय ज़रूर करिएगा कि रोज़ाना सूर्य देव को एक लोटा जल ज़रूर दीजिएगा और आप लकड़ी की खाट पर बैठिएगा, यानी कि सोने के लिए लकड़ी की खाट का प्रयोग करिएगा, लोहे वाली पलंग पर मत सोइएगा, तभी इस योग के आपको बेनिफिट 100% मिलेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे राजयोग की, और वो है उभयचारी राजयोग। तो ये राजयोग बनता कैसे है? दोस्तों, सूर्य के पहले और पिछले खाने में, यानी कि दोनों तरफ सूर्य के कोई ग्रह अगर मौजूद हैं तो उभयचारी राजयोग बनता है। और जिसकी भी कुंडली में उभयचारी राजयोग बनता है उसकी कुंडली में वैसी और वाशी राजयोग बनेंगे ही। शर्त भी वही है कि दोनों साइड वैशी और राजी योग होने चाहिए, यानी कि चंद्रमा राहु केतु नहीं होने चाहिए, इसके अलावा सूर्य के साथ में कोई भी पाप ग्रह नहीं होना चाहिए, सूर्य पर पाप ग्रह की दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए, तब जाकर के इस राजयोग का फायदा आप लोगों को मिलेगा। अगर यह राजयोग आपकी कुंडली में है तो किन सावधानियों का आपको पालन करना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है? अगर कुंडली में आपके उभयचारी राजयोग है तो फिर आपको जो है, आप कितनी भी छोटी जगह पैदा क्यों ना हुए होंगे, जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे, धन संपत्ति सब कुछ आपके जीवन में मिलेगा, आपका पूरा परिवार खुश रहेगा और आपका जीवन सुखी रहेगा, आप अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के क्षेत्र में प्राप्त करेंगे, और अगर आप ज्योतिष हैं तो उस क्षेत्र में प्राप्त करेंगे तरक्की, और अगर शिक्षक हैं तो भी इस क्षेत्र में आप प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, अपने अपने क्षेत्र के महारथी होंगे। दोस्तों, निश्चित रूप से इस योग के रहने से व्यक्ति अपने क्षेत्र का मास्टर बन जाता है, बहुत प्रसिद्धि भी प्राप्त करता है अपने क्षेत्र में। अगर ये योग आपकी कुंडली में है तो व्यक्ति हर समस्या से बाहर बहुत आसानी से निकल जाता है, बड़ी से बड़ी समस्या भी इन्हें छू भी नहीं पाती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखिएगा।